दोस्तों जब भी कोई नया डेस्कटॉप कंप्यूटर यूजर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर परचेस करता है तो सबसे बड़ी समस्या उसके साथ में ये आती है कि उसके कंप्यूटर के साथ में बहुत ढेर सारे केबल्स मिलते हैं, सिस्टम यूनिट मिलता है, कीबोर्ड माउस मॉनिटर यूपीएस और स्पीकर वगैरह मिलते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो आती है एक नए बेसिक यूजर के लिए कि इन सारे डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करके एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का किस तरह से सेटअप किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या आती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि किस तरह से इन सारे केबलों को आपस में कनेक्ट करके एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को टर्न ऑन किया जाता है। तो यही आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आप भी एक कंप्यूटर के बेसिक और बिगिनर यूजर हैं तो आपको ये वीडियो जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं कि किस तरह से इन सारे डिवाइसों को आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप वन में हम लोग कंप्यूटर के सभी बेसिक हार्डवेयर डिवाइसों के बारे में जानेंगे, जिसमें से सबसे पहला हमारा आता है सिस्टम यूनिट, जहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसबी पोर्ट और पावर बटन दिया हुआ है। लेकिन पीछे साइड अगर हम लोग देखें तो यहाँ ढेर सारे पोर्ट हमें नजर आते हैं, जिसमें से पावर पोर्ट, PS2 पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, VGA पोर्ट, USB पोर्ट, ऑडियो पोर्ट, LAN पोर्ट। इन सारे पोर्ट में से हम लोग कुछ ही पोर्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कीबोर्ड है, इसमें ढेर सारे की दिए हुए होते हैं जिसकी सहायता से हम लोग कंप्यूटर में कोई निर्देश भेजते हैं। कीबोर्ड से निकला हुआ जो केबल होता है वो USB केबल होता है। पहले PS2 केबल भी होते थे, वो पुराना जमाना था, लेकिन अब इसी तरह के USB केबल आते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये माउस है, इससे भी जो केबल निकला हुआ रहता है वो भी USB केबल ही होता है, जिसको हम लोग आगे कनेक्ट करने वाले हैं। इसको बोला जाता है मॉनिटर। कंप्यूटर में हम लोग जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं उसका आउटपुट रिजल्ट हमें इसी मॉनिटर के थ्रू वीडियो के फॉर्म में शो होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये साउंड सिस्टम है, जिसको हम लोग PC में कनेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर के केस में क्या होता है कि हमें ऑलरेडी साउंड मिलता नहीं है, मतलब अलग से हमें एक्सटर्नल साउंड लगाना पड़ेगा। इस साउंड सिस्टम के साथ में इस तरह के USB केबल और ये 3mm का ये जैक इस तरह से मिलता है, जिसको हमें सिस्टम यूनिट के पोर्ट में कनेक्ट करना होगा। अब आप जो देख रहे हैं ये UPS है, यानी कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जिसका मतलब है कि बिजली की अचानक कट जाने पर भी कंटिन्यूसली पावर सप्लाई देता रहना। इसमें इस तरह के 3 पिन देखने को हमें मिलते हैं, जिसको अगर आप बैक साइड से देखें तो यहाँ 3 3-पिन वाले पोर्ट देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को पावर सप्लाई देने वाले हैं। लेकिन जिनके घरों में इन्वर्टर की सुविधा है उनके लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट में आता है हमारा स्टेबलाइजर, जिसके जरिए हम लोग UPS में पावर सप्लाई देंगे। इन हार्डवेयर डिवाइसों के अलावा हमें 2 पावर केबल इस तरह के मिलते हैं, जिसमें से एक सिस्टम यूनिट के लिए होता है और दूसरा मॉनिटर के लिए होता है। उसके बाद इस तरह का VGA केबल मिलता है, जो कि किसी भी वीडियो को मॉनिटर में सप्लाई करने का काम करता है। अब आता है हमारा स्टेप 2, जहां पर हम लोग डिवाइस में पावर कनेक्शन करेंगे। लेकिन पावर सप्लाई देने से पहले इस तरह सभी डिवाइसों को आप अरेंज कर लीजिए। यहां पे आप देख सकते हैं ये हमारा बोर्ड है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, और उसके बाद ये स्टेबलाइजर है, उसके बाद UPS है, सिस्टम यूनिट है और मॉनिटर है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा 2 पावर केबल भी हैं। तो इसको हमें आपस में कनेक्ट करना है। इन डिवाइसों के जितने भी कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं वो बैक साइड में होते हैं, इसी वजह से इसको पलटना होगा मुझे ताकि मैं अच्छी तरह से आपको दिखा सकूं। तो सभी डिवाइसों को मैं बारी बारी से इस तरह से पलट लेता हूं और तब जाके मैं आपको डिटेल से इनको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहला कनेक्शन हमारा होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड से, जहाँ हमारा इलेक्ट्रिक आता है हमारे बोर्ड में, वहाँ से स्टेबलाइजर में हमें पावर देना पड़ता है। तो इस तरह से हमने यहाँ से स्टेबलाइजर को पावर दिया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा लाइट जल चुका है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन चलती लाइन में हमें कनेक्शन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, कभी कभी सिस्टम यूनिट में करंट भी आ जाता है, तो इसीलिए हम लोग पहले इसको हटा देंगे, इसका कनेक्शन हम लोग बाद में करेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग पावर कनेक्शन करेंगे UPS में करेंगे, और स्टेबलाइजर से UPS में हम लोग कनेक्शन करेंगे। इस तरह से हम लोग बोर्ड से स्टेबलाइजर में और स्टेबलाइजर से UPS में कनेक्ट करेंगे। इस UPS के जरिए हम लोग 2 जगह पावर सप्लाई करेंगे, एक सिस्टम यूनिट में और दूसरा मॉनिटर में। तो ये 2 जगह पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके लिए हमारे पास 2 पावर केबल हैं, तो इसको भी हम लोग चलिए लगा देते हैं। तो आप चाहे कोई भी पोर्ट में आप कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे ऊपर या फिर मिडिल में। तो चलिए सबसे पहले मैं ऊपर में कनेक्ट करता हूँ। तो इस तरह से आप
पावर केबल की सहायता से सिस्टम यूनिट को कनेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग इसी यूपीएस से मॉनिटर को भी कनेक्ट करेंगे। तो इन दोनों पावर केबल में से आप किसी भी केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हमारा पावर कनेक्शन का काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करना। यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें से एक कीबोर्ड है और दूसरा माउस है। तो चलिए इनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो इनके जो केबल होते हैं यूएसबी केबल, उनको हमें सिस्टम यूनिट के बैक साइड में लगाना है। और यहाँ पे सिस्टम यूनिट के बैक साइड में अगर आप देखें तो चार चार यूएसबी पोर्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो आप इनमें से किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कीबोर्ड को तो कनेक्ट कर दिया, अब चलिए माउस के केबल को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करने का काम भी खत्म कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करना, जिसमें हम लोग मॉनिटर और स्पीकर को कनेक्ट करेंगे। तो मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए इस तरह का वीजीए केबल हमारे पास है, जिसमें 15 पिन दिए हुए हैं। तो इसमें एरो मार्क के जैसा ये 15 पिन दिया हुआ होता है, जिसको आपको सिस्टम यूनिट में देख करके लगाना अच्छी तरह से। ये एरो को अच्छी तरह से मैच कर लेना है, नहीं तो पिन टूटने का भी खतरा हो सकता है। इसको लगाने के बाद हमें इसको टाइट भी कर देना होता है। इसके साइड साइड में दो नट दिए हुए होते हैं, जिसकी सहायता से इसको टाइट कर देना होता है, ताकि हमारा विजुअल अच्छी तरह से आए। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, दो बगल में टाइट करने के लिए इस तरह के दो नट दिए हुए होते हैं वीजीए केबल में। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इसको लगाने के बाद आपको इस तरह से टाइट कर देना है। तो चलिए मैं इसको मॉनिटर में भी कनेक्ट कर देता हूँ। एक छोर सिस्टम यूनिट में कनेक्ट होगा तो दूसरी छोर इसका मॉनिटर पे कनेक्ट होगा। तो चलिए इसको मैं मॉनिटर में दूसरी छोर कनेक्ट करता हूँ। तो जब इसको कनेक्ट कर लेने के बाद इसको टाइट करना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से मैं इसको टाइट कर दे रहा हूँ, तो आपको भी ये ज़रूर से कर लेना है। अब हमारा अंतिम आउटपुट डिवाइस है स्पीकर, इसको भी हमें कनेक्ट करना होगा। तो इस तरह का स्पीकर तो हमारे पास है। पहले तो मैं इसे अरेंजिंग वे में इस तरह से रख लेता हूँ, उसके बाद इसको कनेक्ट करूँगा। तो इसके साथ में जो केबल मिलता है हमें, उसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि दो तरह के केबल इसमें मिलते हैं, एक यूएसबी और 3mm का जैक। तो यूएसबी वाले पोर्ट में सबसे पहले तो यूएसबी केबल को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमें मिलता है इस तरह का जैक, जिसको हमें सिस्टम यूनिट के ग्रीन वाले ऑडियो पोर्ट में कनेक्ट करना होगा। तो ये आप देख लीजिएगा, उसके बाद इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। तो ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे पलट के रख देता हूँ। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है स्टेप 5, जिसमें हम लोग अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जिस बोर्ड में हमारा इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, उस बोर्ड में हमें स्टेबलाइजर का तार को कनेक्ट करना पड़ेगा। स्टेबलाइजर को कनेक्ट करने के बाद में हमें इसको ऑन कर लेना होगा। और ये आप देख सकते हैं कि स्टेबलाइजर में लाइट आ चुका है, यानी कि पावर स्टेबलाइजर में आ चुका है। अब हमें यूपीएस को ऑन करना होगा। यूपीएस को जैसे ही हम लोग ऑन करेंगे, तो उसके बाद हमारा स्क्रीन पे लाइट शो होने लगेगा। इसका मतलब है कि मॉनिटर स्क्रीन तक हमारा पावर आ चुका है। अब हम लोग सिस्टम यूनिट के पावर बटन को इस तरह से प्रेस करके ऑन कर देते हैं, बड़ा वाला बटन को। उसके बाद थोड़ी देर वेट करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा मॉनिटर अब ऑन हो चुका है, यानी कि हमारा कंप्यूटर अब ऑन हो चुका है। इतना सब कुछ करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप में हमें कंप्यूटर को प्रॉपरली टर्न ऑफ करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें माउस का सहारा लेना होगा। तो माउस के कर्सर को सबसे पहले मॉनिटर स्क्रीन के कॉर्नर पे दिखाई दे रहे स्टार्ट मेनू पे क्लिक करना होगा। लेफ्ट क्लिक इसको कीजिएगा, उसके बाद पावर बटन का एक ऑप्शन मिलेगा। उस पावर बटन को माउस के लेफ्ट बटन से फिर से क्लिक करने पर एक शटडाउन का ऑप्शन मिलेगा, उसको फिर से लेफ्ट बटन से क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से पीसी शटडाउन होना चालू हो जाएगा। कुछ सेकंड के बाद जब आपका पीसी पूरी तरह टर्न ऑफ हो जाए, तो आपको नेक्स्ट काम यूपीएस को बंद करना होगा। उसके बाद आपको यूपीएस को बंद करने के बाद में नेक्स्ट काम ये करना है कि स्टेबलाइजर का जो पावर आ रहा है, उसको भी आपको बंद कर देना है। इस तरह से पीसी प्रॉपरली शटडाउन होता है। तो इस तरह से देखा दोस्तों आपने कि कंप्यूटर का सेटअप करना कितना आसान है। आपको भी अगर कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर से कीजिएगा। मैं उससे रिलेटेड आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वीडियो जरूर से बना दूंगा।
तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने पीसी का भी ख्याल रखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।